जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें शेरवानी में देखने के लिए कितनी बेताब हूँ। ऑलराइट, चलो बस मैं निकल रहा हूँ, फिर सड़क पे खड़ा हूँ ना। तुम्हें अपने माँ बाप की कितनी याद आ रही होगी ना इस वक्त, तो मुझे फोन कर लो ना। पागल पागल हो गई हो क्या? फोन कर लो, उनको फोन करके लेने के देने पड़ जाएंगे। और उनको थोड़ी पता है कि आज मेरी शादी हो रही है। अब फॉर गॉड सेक अनिला, प्लीज खामोश हो जाओ। तुम तो मत बोलो इस वक्त, मौका तो देख लिया करो। हम अलीश को बहुत बेहतर जानते हैं। इसे क्यों डांट रहे हो? वो चली गई है ना, ये क्या कर सकती है? कैसा मेरा नसीब है। उसका कोई रिश्तेदार होगा, कोई बहन भाई वालदा वगैरह कोई तो होगा ना उसका। थे, सब थे, माँ बाप बहन भाई, लेकिन एक एक्सीडेंट में सबका इंतकाल हो गया। क्या सबका इंतकाल हो गया? हाँ हाँ, मुझे इतनी अकल है कि कब किसके सामने क्या बात करनी है। देख लीजिएगा, वरना अम्मा आपको जलील कर देंगी। तुम लोगों को ना इज्जत रास बिल्कुल नहीं आती। क्यों, कौन था, किसके साथ आई हो, क्या हो गया? क्या मेरी पहरेदारी कर रही थी? हाँ जाहिर सी बात है, बुलाऊंगा अभी रशीद को। मैंने हम सब की गाड़ी के ब्रेक फील किए थे, उसकी वजह से मेरी माँ मुझसे छिन गई। मुझे लगा वो अकेला गाड़ी में होगा, वो मेरी माँ को भी साथ ले गया। क्या क्या तुमने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा? क्या हुआ, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? चीजें ले ली सारी तुमने? जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सारी तैयारी हो गई है। आप ये बताएं, अनीला को इनवाइट किया आपने? हाँ मैंने कहा था उसको, मगर उसने आने से मना कर दिया। कह रही थी कि मैं क्या करूंगी आके, और मेरा आना वहां सही नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि वो ना आए तो ज्यादा बेहतर है उसके लिए। गो के शगुफ्ता तो बहुत चेंज हो गई है, उसने अच्छा खासा बदल लिया है खुद को, मगर फिर भी। आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना बेहतर हो गया? आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कुछ बेहतर नहीं हुआ। क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? अनीला जो कर रही है अपने लिए ठीक ही कर रही है, इसी में उसके लिए बेहतरी है। हाँ मैं भी यही समझता हूँ कि उसके लिए यही बेहतर है कि वो यहाँ ना आए। अच्छा तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है ना? बिल्कुल जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मुकम्मल है। बस टेलर से कपड़े उठाना बाकी रह गए हैं, रेडी हो जाएंगे तो पैसे दे के बस कपड़े उठाने। अरे जनाब आपका हुक्म, मैं उठा लूंगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा आमना से पूछ लिया, उसने भी सब चीजें खरीद लिया, कुछ बाकी तो नहीं रह गया उसका? जी जी, आमना तो बहुत खुश है। अनीला कैसी हो तुम? तुम आ रही हो ना मेरी शादी में? बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी शादी हो रही है। और तुम्हें पता है बहुत बड़े घर का लड़का है, तीन तीन तो गाड़ियां हैं उसके पास, और लाहौर में दो कोठियां भी हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, उसके घर वाले शादी में क्यों नहीं शामिल हो रहे? अच्छा तो तुम्हें ये बात भी पता है? जरूर अब्बा ने बताई होगी। जाहिर सी बात है, दिल से तो वो भी कबूल नहीं कर पा रहे थे। अब्बा चाहते थे उनके मायार के हिसाब से ही शादी हो। इजहार ने मुझसे मोहब्बत की है, और तुम तो जानती हो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो कैसे ना मानते अब्बा। खैर अगर तुम आती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अगर तुम नहीं आ रही हो तो मेरा गिफ्ट जरूर भिजवा देना। क्या चाहिए तुम्हें, वैसे मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ है। ओ भाई सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, कैश भी चाहिए कुछ। ठीक है,
मैं मुख्तार से कह दूंगी, तुम्हें पहुंचा देगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना मेरी प्यारी बहन। कैसे चल गई ना सुन के, कि जब मैंने उसको बोला कि उसके ससुराल वालों से भी भारी लोगों में जा रही हूँ मैं। खैर मुझे क्या, मैं तो आम खाऊं, गुठलियां क्यों गिन रही हूँ। खास तौर पे इस बात का ख्याल रखो कि खाना बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ऐसा ना हो यहाँ पहुंचे तो ठंडा हो जाए। ठीक है, ओके। अरे वो माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया, जाहिर सी बात है ना, मेरी भी तो बेटी की शादी है ना। तुबा तुमने बात करके मेरा दिल जीत लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि काजी को कह दिया है, सबको बुला लिया ना, सारे इंतजाम तो ठीक है? अरे सबको कह दिया है और सारे इंतजाम हुए, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो इंशाल्लाह। ये बताओ कि वो शगुफ्ता कहाँ है? अरे वो आमना को तैयार करवा रही है। अच्छा अच्छा, बस उनसे कहो जल्दी से तैयार हो जाएं, मेहमान आने शुरू हो। जी मैं कह देती हूँ, बस अल्लाह करे बखूबी सारे काम अंजाम पाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं कह कर आती हूँ। हाँ तो तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ, तुमने इतने प्यार से बुलाया है, कैसे नहीं आता? तो मैं जानता हूँ अगर मैं नहीं आता तो तुम उदास हो जाती ना। हाँ ना भाई, देखो कोई तो बहाना मिला ना तुम्हें बुलाने का, इस बहाने तुम रशीद से भी मिल लोगे। और देखो मैंने तो बात उस दिन संभाल ली थी, लेकिन यह है कि अब तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी सबसे, और मेरे दिल के साथ साथ मेरे दरवाजे घर के भी खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। तुमने तो बात संभाली थी, लेकिन जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, न तुबा तुम्हें देखती और ना हमारे मिलने का असबाब बनता। चलो इस तरह तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारे घर के दरवाजे भी मेरे लिए खुल जाएंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है। अच्छा जो मैंने कहा था वही कलर पहना है ना? जी आपका हुक्म था, नहीं पहनता तो शायद आप भगा देती मुझे। आंटी आपको रशीद अंकल बुला रहे हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ, बोलो। जल्दी से आ जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें शेरवानी में देखने के लिए कितनी बेताब हूँ। ऑलराइट चलो बस मैं निकल रहा हूँ, फिर सड़क पे खड़ा हूँ ना। ऑलराइट ओके बाय। अरे भाई अभी तक बारात नहीं आई, कहाँ रह गए सारे? अब्बा वो अभी मेरी इजहार से बात हुई थी, वो बस आने वाले हैं। अच्छा चलो बेटा, तुम आज नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो, कोशिश करना कि हमारी इज्जत पर तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच ना आए। हमेशा अपने शौहर से धीमे और नर्म लहजे में बात करना। बेटा मुझे तुमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी अनिला से थी, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हें अपने घर में आबाद रखे, हमेशा खुश रहो। अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने हमेशा मुझे मेरी भलाई के लिए समझाया है। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है माशाल्लाह। छोटी अम्मी अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दिएगा, और अब्बा आप मेरी सारी नादानियों को माफ कर दिएगा। अम्मा आप भी मुझे माफ कर देना और मेरे लिए दुआ करना, मेरी जिंदगी खुशी से बसर हो। आमीन आमीन। बस बारात आती ही होगी, बहुत प्यारी लग रही है। अनीला नीला नीला नीला, क्या करूं तुम्हारा, आज तो अंकल भी घर पे नहीं है, अदील को भी आने में वक्त है, और एलिश एलिश भी नहीं है। मौका तो बहुत अच्छा है लेकिन शौकत इसका क्या किया जाए। शौकत शौकत
लगता सो गया, शौकत भी सो गया। आज बहुत अच्छा मौका है, आज मैं देखता हूं कि अनिला तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अनिला 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 अरे मुन्नी पप्पू बुला रही हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम तो आप भी नहीं लग रहे, मगर मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए। बहुत प्यारी लग रही हो आज। तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो, और ये शेरवानी ये तो बहुत सूट कर रही है तुम पे हमेशा की तरह। अच्छा मैं जरा मेहमानों को देख लूँ, बारात आ गई है ना, अब फिर मिलवाती हूँ रशीद से। Sure, sure, sure. जाना नहीं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इसका मतलब है नीला दरवाजा लॉक करके सो रही है। बहुत होशियार हो गई है, लेकिन कब तक बचेगी मुझसे? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी। चलो कर लो, जितना आराम करना है कर लो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोहराम ही कोहराम है। पता है आज तुम बहुत ज्यादा हसीन लग रही हो। तुम भी अच्छा लग रहे हो, धुले धुले साफ सुथरे। अच्छा बस बस, नहीं नवेली दुल्हने ज्यादा नहीं बोलती। कैसी बातें कर रहे हो? तुम सवाल पूछो तो जवाब दे दूंगी ना, तुम्हारा दोस्त नहीं है? नहीं यार, वो उसको कोई जरूरी काम था, इस वजह से नहीं आ सका। समझ सकती हूँ, तुम्हें अपने माँ बाप की कितनी याद आ रही होगी ना इस वक्त। तुम मुझे फोन कर लो ना। पागल पागल हो गई हो क्या? फोन कर लो, उनको फोन करके लेने के देने पड़ जाएंगे, और उनको थोड़ी पता है कि आज मेरी शादी हो रही है। वैसे भी आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है। कोई बात है, तुम दिल छोटा नहीं करो, हम जल्द उनको मना लेंगे। बिल्कुल मना लेंगे। ये बताओ कि तुम मेरे साथ खुश तो रहोगे? हाँ, अगर तुम खुश रहोगे तो क्यों नहीं खुश रहोगे? बिल्कुल, हमेशा खुश रखूंगा तुम। अल्लाह करे हमारी खुशियों को कभी नजर ना लगे। नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? अकेले बैठे हो, खैरियत तो है? यार अंकल घर पे थे नहीं, और शौकत से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया तुम लेट आओगे, तो सोचा यहीं बैठकर वेट कर लूं। गुड, और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? यार काम तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक चल रहा है, बस मीटिंग्स की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं दिन में भी घर में ही नजर आ जाता हूँ। हाँ ये तो है। एनीवेज तुम बताओ
कैसे चल रहा है लाइफ में, क्या अपडेट्स हैं? बस यार कुछ नहीं, तुम तो जानते हो कि अभी कुछ केसेस हैं, वो खत्म होंगे तो उसके बाद कुछ सोचूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे तो वाकई यकीन नहीं आता लोग किस तरह से बेगुनाह लोगों पे केसेस बना देते हैं, पर तुम परेशान मत होना, जल्दी ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और आई होप कि तुम अपना बिजनेस रिकवर कर लोगे। और मेरी जब भी किसी बात में ज़रूरत हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं हमेशा हाजिर हूँ। हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम लोग ही तो मेरे अपने हो। श्योर। अच्छा मैं फ्रेश होता हूँ, फिर साथ खाना खा लें? खाना मैंने खा लिया, चाय ज़रूर पी सकते हैं साथ में। चलो ठीक हो गया, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद, ये सरफराज साहब हैं। आप यहाँ? मैं तो, पर आप ही? सरफराज साहब, ये मेरी छोटी बेटी की शादी है। अरे रशीद, आप सरफराज साहब को जानते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम, भला अपनों को कोई भूल सकता है? ये ठीक कह रहे हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रशीद, मैंने आपको बताया था ना कि जो उस दिन मेरे साथ वाकया पेश आया, दो डकैत आ गए थे, उनसे मुझे सरफराज साहब ने बचाया था और फिर मुझे घर भी छोड़ा। अच्छा, इस तरह तो इनके हमारे पर दो दो एहसानात हो गए। दो दो एहसानात? मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। हाँ, एक तो मेरी बेटी का बोझ इनके कंधों पर है और दूसरा मेरी बीवी को बुरे वक्त में बचाया। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा फर्ज है। सरफराज साहब, मुझे बहुत खुशी हुई, इस बहाने आप यहाँ आए तो सही। शगुफ्ता जी ने इतनी अपनाइयत से बुलाया था तो मुझे आना ही था। वैसे मैं अभी तक समझी नहीं कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। अरे शगुफ्ता, ये हमारी अनीला के ससुर हैं। अनीला के ससुर? अरे हाँ ना भाई, अनीला ब्याह के इन्हीं के तो घर गई है। ओह अच्छा अच्छा। अब आया कहानी में नया ट्विस्ट। क्या हो गया, क्या सोचने लगी? नहीं कुछ भी तो नहीं। सरफराज साहब, कुछ लिया आपने? जी जी जी, मैंने लिया है। देखिए बिल्कुल कोई तकल्लुफ नहीं चलेगा, आपको जो चीज चाहिए हो हाजिर है, आपने लेनी है। आप लोगों से कैसा तकल्लुफ, बस अब थोड़ी देर में मैं निकलूंगा। नहीं नहीं, निकलने विकलने की तो बिल्कुल भी बात नहीं होगी, आप ऐसे कैसे बगैर खाना खाए जा सकते हैं। आइए सरफराज साहब, मैं आपको अपनी बेटी से और दामाद से मिलवा। बिल्कुल। शुक्र है अल्लाह का, आज का दिन खैरियत से निपट गया और मेरी आमना अपने घर की हो गई। बिल्कुल,
सही कह रहे हैं, मैंने भी अभी शुक्रानी के निफिल अदा किए हैं। रशीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से सारे इंतजाम किए हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रशीद, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस अल्लाह पाक आमना को जल्द से जल्द अपने घर का कर दे। आमीन सुम आमीन। और मेरी तो दुआ है कि इजहार और आमना का साथ हमेशा कायम और दायम रहे, और मेरी बेटी इजहार के लिए नेक साबित हो और इजहार मेरी बेटी के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। बहार चले चले भी आओ के गुलशन का। शौकत शौकत साहब, अलीश ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है क्या मतलब? वो मलिक साहब बीबी जी तो क्या? वो मलिक साहब बीबी जी कहाँ है? वो मलिक साहब वो तो अपना सामान लेकर रात को ही चली गई थी। क्या रात को कहाँ चली गई? तुमने पूछा नहीं? जी जी मलिक साहब, मैंने पूछा ना कि आप कहाँ जा रही हो। कहती मेरी सुबह की फ्लाइट है। जब मैंने दोबारा पूछा तो वो मुझसे गुस्सा करने लगी, कहती तुम कौन होते मुझसे ये सवाल करने वाले। मैं खामोश हो गया। फिर मैंने पूछा बीबी जी कि आपने मलिक साहब को बता दिया कि मैं जा रही हूँ? कहती हाँ, मैंने अपने पापा को बता दिया कि मैं जा रही हूँ। मैं तो नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी जाते हुए वो मुझे कुछ पैसे देकर चली गई और कहती है कि मेरे बाबा का ख्याल रखना। मैंने जी सही है। गॉड, ये कहाँ चली गई यार? जाओ अदील को बुलाओ जल्दी। वैसे अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से निपट गया कल। हाँ, ये आमना को क्या हो गया है? अब तक सो रही है, उठी नहीं अब तक। कोई तरीका भी होता है। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक से? तुम क्यों उसकी सास बनने लग गई? भाई रात को इवेंट कितनी देर में खत्म हुआ है, हम सब खुद इतनी देर से उठे हैं। अगर बच्चे सो रहे तो क्या हो गया? सोने दो उन्हें। बात सुनो, उसे कुछ तौर तरीके सिखाओ। कुछ सीखेगी तो आगे जाके उसी के लिए आसानी होगी। सारी जिंदगी उसे यहाँ थोड़ी रहना है। हाँ वैसे ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं उठाती हूँ। अरे फोन करके नहीं उठाओ, जाके उनको उठाओ, दरवाजा बजाओ जाके। क्या पागल वागल हो गई हो? मैं तो फोन करके ही उठाऊंगी। अच्छा नहीं लगता, दामाद क्या सोचेगा कि अभी से पीछा ले लिया मेरा। भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं दरवाजा बजा के उठाऊं। तुम जाओ, तुम्हें इतनी है तो तुम जाके उठा लो। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही उठा देती हूँ जाके। आ जाओ। अजीब है, थके हुए सब। अब हम भी तो लेट उठे हैं ना। इसका सास पर ना मैं निकालूंगी। अच्छी खासी बात करते करते कुछ और ही बोल जाती है। इजहार देखो दरवाजे पे कौन है। अरे यार बजने दो। क्या टाइम हो गया है? अम्मी और छोटी अम्मी क्या सोचती होंगी? आमना वो लोग क्या सोच रहे होंगे, तुम इसको छोड़ो। तुम बस ये सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बस बस ये चोचरेबाजी छोड़ो और उठो, नहीं तो ठंडा पानी फेंक के ना उठा दूंगी अभी। ऐसी बदजोक भी हो आमना तुम? आज हमारी शादी की पहली सुबह और तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्योंकि जितनी प्यार भरी बातें करनी थी ना मैं कर चुकी हूँ, अब मेरा पटारा खाली है। और अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं तो? प्लीज यार बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम अपने घर पे नहीं ससुराल में हो। अरे मेरा ससुराल ही मेरा घर है ना। हाँ लेकिन वक्ती तौर पर। अच्छा रुक जाओ ना, थोड़ी प्यार की बातें करते हैं, मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखते हैं। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत की दुनिया में कदम रखो। अब तुम पर मुझ जैसी खूबसूरत बीवी की जिम्मेदारियां हैं। इसी बात का हौसला लेने के लिए तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। अमन अब तुम मुझे मिल चुकी हो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए।
यार। डैड प्लीज कुछ बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है, क्या बात है? आलिश घर छोड़कर चली गई। व्हाट? ना सारा सामान भी ले गई। अब ये क्या नया तमाशा लगाने वाली है डैड? यू नो व्हाट, ये सब कुछ आपकी ढील की वजह से हुआ है। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? कहां जाएगी? ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त के यहां चली जाएगी, वापस आ जाएगी। अब फॉर गॉड सेक अनिला प्लीज खामोश हो जाओ। तुम तो मत बोलो इस वक्त, मौका तो देख लिया करो। हम आलिश को बहुत बेहतर जानते हैं। इसे क्यों डांट रहे? वो चली गई है ना, ये क्या कर सकती है? I'm sorry, अनिला, I'm really sorry. आपने उसे कॉल की डैड? हाँ, कई बार ट्राई किया, नंबर बंद जा रहा है। मैं ट्राई करता हूँ एक दफा। ऑफ जा रहा है डैड। You know what, Dad? मैं हमेशा आपसे कहता था इसे इतनी ढील मत दें, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब देख ले नतीजा।